हेलो स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम रेडियो एक्टिविटी का है। एक कोई न्यूक्लियस है हमारे पास ए, जिसका हाफ लाइफ टी है, और ए से बच्चों बी बन रहा है। यहाँ पे कहने का मतलब है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। इट नीड नॉट कि ये इसको पूरा डिपिक्ट करे। आप समझ लो कि कोई ए होगा और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा डीके करके, जनरली अभी अल्फा कर रहा है और बी में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा मान लो, है ना। रेडियो एक्टिविटी डीके कराया गया है। तो क्वेश्चन के हिसाब से अपन पढ़ेंगे ना, तो कह रहा है कि ए से बच्चों बी बनता है और टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, मतलब बिल्कुल इनिशियली। तो लिख लो यहाँ पे टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पर ए और बी के क्या कंडीशंस हैं, है ना। देर इज नो न्यूक्लियस एट बी, मतलब यहाँ पे जीरो लिख लो और इस पे सबसे ज्यादा लिख लो, मतलब इनिशियल वैल्यूज हमेशा एन नॉट से पढ़ते हैं। जैसे ये सैंपल होगा तो सारे के सारे न्यूक्लियस इस सैंपल पे ही बैठे होंगे और यहाँ पे कोई नहीं होगा, है ना। यहां तक का हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। कुछ देर के बाद रेशियो और बी और ए का इतना है, मतलब ऑब्वियस ही बात है, ए से डीके होके बी जा रहा है, मतलब ये कम होगा और ये बढ़ना शुरू होगा। तो एट टाइम टी इक्वल्स टू टी, लेट से इसकी वैल्यू हो गई है एन ए और इसकी वैल्यू हो गई है एन ऑफ बी, और हमें दिया गया है रेशियो एन बी डिवाइड बाय एन ए, जो कि 0.3 है। एन ए जल्दी से लिख लेते हैं अपन, डीके हो रहा है तो एन नॉट ई टू पावर माइनस लैम्डा टी होगा, और बी की वैल्यू हो जाएगी एन नॉट, हमें पता है इससे ये बनेगा तो इसको 1 से माइनस करना होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई टू पावर माइनस लैम्डा टी। एक डीके होगा तो एक ग्रो होगा, राइट। इससे ये बन रहा है ना, कोई नया तो नहीं आ गया सैंपल, ये सैंपल पहले था और ये कुछ नहीं था, जैसे जैसे डीके हो रहा है वैसे वैसे ये बनना शुरू हो रहा है, ठीक है। तो हमें बोला गया है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, तो सॉल्व कर लेते हैं। 0.3 ये वैल्यू अपन लिखते हैं एन नॉट, ये हो गया 1 माइनस ई टू पावर माइनस ऑफ लैम्डा टी, और इसको लिख लेते हैं बेटा एन नॉट ई टू पावर माइनस ऑफ लैम्डा टी। कैंसिलेशन कर लो और ये आपको दिख रहा होगा 0.3 इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन e टू पावर माइनस लैम्डा टी माइनस ऑफ 1, जो कि यहां आ जाएगा तो 1.3 बता रहा है, पावर नेगेटिव में है तो इसको ऊपर लिख लेते हैं। अब क्या करना है अपन को, एक्सपोनेंट खत्म करना है, तो यहां से मैं इसका लॉग ले लूंगा, तो मैंने लिख दिया यहां पे टेकिंग लॉग, तो ये हो जाएगा ln 1.3 इज इक्वल्स टू लैम्डा ऑफ टी। ये वही टाइम इंटरवल है और ये बच्चे लोग डीके वाला कॉन्स्टेंट है। एक बात यहां पे लिखी हुई है हाफ लाइफ, तो लिख लेते हैं अपन लोग हाफ लाइफ की थ्योरी। जब पढ़ते हैं तो ये आइडिया होता है अपन को कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे टी लिखा हुआ है तो मैं टी यूज करूंगा, और ये हो गया एल एन टू डिवाइड बाय लैम्डा, यहां से लैम्डा कितना आ रहा है बच्चों, एल एन टू बाय टी, तो यहाँ पुट अप कर दो और आपका आंसर आ गया टी इक्वल्स टू, ये हो रहा है एल एन 1.3, है ना, वो लैम्डा नीचे आ जाएगा और यहां से लैम्डा कितना हो जाएगा एल एन टू डिवाइड बाय टी, ये हो गया आपका फाइनलाइज आंसर, ठीक है। ऑप्शन हमारा बैठ रहा है यहां से 2 नंबर का, ये नेचुरल लॉग है, इसको ऐसा लिख सकते हो आप लोग लॉग टू द बेस e ऑफ 1.3 डिवाइड बाय लॉग टू द बेस e ऑफ 2, दिस विल बी योर टाइम इंस्टेंट व्हेन nb बाय na इज इक्वल्स टू 0.3, ये आपका आंसर होगा, ठीक है बेटा। स्टूडेंट्स काइंडली लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।